हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको AHA, BHA, PHA किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिले और लेस साइड इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएँ। ठीक है, वैसे तो इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट फिर भी एक एहतियात के तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है अगर आप एज अ बिगनर इसको इस्तेमाल करने वाले हो तो। कुछ चीज़ों का हमेशा से ध्यान रखना जब भी इसको अपने फेस पे लगाना। सुनने में बड़ा अजीब सा और थोड़ा डरावना सा लगता है, केमिकल्स इतने ज़्यादा, कहीं मेरी स्किन जल ना जाए, बर्न ना हो जाए, है ना। तो मेरे को भी स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का ही लगा था कि सिर्फ 5 मिनट लगाना है, 10 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा ऊपर लगा लिया तो क्या मेरी स्किन जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे थॉट्स और क्वेश्चंस माइंड में आ जाते हैं तो उनका थोड़ा बहुत मैं जवाब दूंगी, लेकिन मेन फोकस इस पर रहेगा कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि अभी मैं इसको यूज़ करने वाली थी, मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी बना के, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल सके। और इसके थोड़े बहुत आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पे रौनक नहीं है, बहुत ज़्यादा डल डल से लग रहा है, आप सब कुछ लगा लो फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, तो आप रात को इसमें लगा लो और अगली सुबह आपका जो चेहरा है एकदम जगमगाता हुआ, ग्लो करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इतना ज़्यादा ये कमाल का होता है और इससे बहुत ही अच्छा आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन मूड होके तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, तो इसका जो है 3 से 4 ड्रॉप मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी मूड होने के बाद, किसी अच्छे क्लिनजर से, माइल्ड क्लिनजर से, और अपने फेस को अच्छे से पैट ड्राई कर लो। एक ड्रॉप ये हो गई, एक ये हो गई, एक इधर, इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है। कुछ लोग जो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें। सुबह होते होते आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। इसको कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस, वो चीज़ें और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी मैं इसको यूज़ करने वाली थी तो प्रॉपर ये सिर्फ इसी मकसद से बनाया गया वीडियो कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो इसको अप्लाई करने के बाद 1-2 मिनट का हम गैप लेंगे जिससे कि इसके ऊपर जो प्रोडक्ट हम लगाएं वो आपस में मर्ज ना हो, ये स्किन थोड़ा सा सोक कर ले, ये थोड़ा सा ड्राई मतलब सेटल डाउन हो जाए स्किन के ऊपर, तब हम दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। और कौन से प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है वो भी अभी बताऊँगी। तो मैं अभी आती हूँ उसको थोड़ा सा सुखा के। अच्छा, 1-2 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा ऐसे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो या ड्राई हो जो भी है, लेकिन 1-2 मिनट का गैप आपने देना है जिससे कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लगाए वो उसके साथ मिले ना। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ख़त्म होने को है तो मॉइस्चराइज़र फेस के ऊपर लगाना है जिससे कि स्किन जो है ड्राई ना पड़े। कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है। ये वाला वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किसको ये इस्तेमाल करना चाहिए और किसको नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप हर कोई इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पर इसकी नीड ही नहीं है फिर भी आप मंगा के और इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो तो बेवकूफ़ी है। लेकिन जो मंगा चुके हैं या इस्तेमाल करते हैं उनको इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो अब आप इस तरीके से इस्तेमाल करें इसको, या आप किसी भी AHA, BHA को इस्तेमाल करें, किसी भी ब्रांड का हो आप इस तरीके से यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये लगाने के बाद इसको भी मैं 1-2 मिनट का टाइम दूंगी। अभी इतने ये सूख रहा है, इतने जल्दी से आपको कुछ बातें बता देती हूँ। देखो, एक तो जब सुबह होगी तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद में अपने मुँह को धो लेना, बिकॉज आपको ना तो गैस के पास जाना है, किचन में कभी जाके सीधे काम में लग जाओ, गैस के पास भी नहीं जाना है, सीधे धूप में भी नहीं जाना है। सबसे पहले अपना फेस वॉश करने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना, क्योंकि इसको लगाने के बाद बहुत ही एक सुपरफिशियल लेयर जो आपकी स्किन की होती है वो हट जाती है स्किन, और नई बेबी फ्रेश स्किन आती है। तो उसको जो है आपको प्रोटेक्ट भी करना है, ग्लो को बरकरार रखने के लिए उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर लगा लीजिएगा मुँह धोने के बाद और बार बार उसका एप्लीकेशन कीजिएगा। सबसे बेस्ट डे है वो है सैटरडे, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है, और कुछ लोगों की जिनकी मंडे की होती है तो फिर वो संडे में इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। मतलब एक दिन आपको घर पर मिले तो बहुत ही अच्छा है, आपको बाहर ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ और फेस को कवर करके फिर आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इससे स्किन आपकी बर्न नहीं होगी, अगर आप इस तरीके से लगाओगे स्किन बर्न नहीं होगी। जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है और बहुत मतलब कोई प्रोडक्ट उनको सूट नहीं करता, तो प्लीज़ आप मत लगाइएगा, आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है। और कौन सी वाली बेस्ट है इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे कौन सा बेस्ट है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भू बोटैनिका का है। इसके अंदर 10% AHA और 2% BHA, 1% PHA, साथ में इसमें लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये इसको ही AHA BHA बोलते हैं, ठीक है। तो
इससे जो है आपके चेहरे पे बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है, ग्लो आ जाती है। जिनके चेहरे की एकदम रौनक उड़ चुकी है वो इसको इस्तेमाल करें, इसको अपने पास मंगा के रख लें। मैं इसको हमेशा इस्तेमाल नहीं करती, वैसे इसमें लिखा हुआ है आप इसको हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं इसको मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे कुछ डलनेस आ रही है, ग्लो की कमी आ रही है, तब मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब इसको ऐसा भी नहीं है कि आपने आज इस्तेमाल करा तो अगले दिन कर लिया। इसमें लिखा है कि वीक में दो बार कर सकते हैं, लेकिन आप जो है प्लीज़ हफ्ते में एक बार ही करिएगा, वो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे केमिकल हो। तो मतलब जो स्क्रब करते हैं वो भी इतना ज़्यादा ऑफन आपको नहीं करना चाहिए। आपकी जो स्किन है ना उसका मतलब ऊपर से जो है आपको पिगमेंटेशन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा उसके साथ रगड़म रगड़ाई करेंगे ना उसकी बढ़िया करके, तो ख़राब होने के चांसेस है ज़्यादा स्किन के। तो बेहतर है कि आप उसको सही तरीके से जैसे जो प्रोडक्ट बना है जिस इस्तेमाल के लिए उसको वैसे ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोग भी बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि कोई सीरम बताओ फेस ग्लो करे, तो ये एक मंगा लो आप और इसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना शुरू करो। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट मुझे दिखा था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। तो जिन लोगों ने सीरम के बारे में पूछा है वो मैं उस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, वो वीडियो देख लेना आप। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ उसके ऊपर क्या लगाना है। अच्छा, एक दो मिनट के गैप के बाद आपने जो है सनस्क्रीन अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। ये आपने सिर्फ और सिर्फ रात में इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी गलती ना करना। चाहे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं चाहे बड़े देख रहे हैं, पहली बात तो ये छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट है नहीं, टीनएजर्स के लिए नहीं है। प्लीज़ अवॉइड दिस। अगर आपकी स्किन अभी फ्रेश न्यू स्किन है तो प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट के चक्करों में ना पड़े। थोड़ी मैच्योर स्किन जो है मतलब 20 साल के बाद वाले वो इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने तीन फिंगर पे लिया है, ये पता नहीं क्यों मतलब ज़्यादा निकल गया मुझसे, दो भी काफ़ी था क्योंकि रात का टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी इसको जो है अच्छे से फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, और ये वाली चीज़ आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, इसको आप अप्लाई कर लेंगे। मैंने लगा लिया, थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा लग गई थी। अभी थोड़ी देर में इसको थोड़ा मसाज करके और ठीक कर ली। मैं बहुत ज़्यादा गोरी भूतनी जैसी हो गई हूँ एकदम, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में। एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी, ये जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो अपने फेस के ऊपर और इसको जो है आँखों के आसपास जो है नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आँखों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है तो आप आँखों के पास इसको नहीं लगाएंगे। वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑलवेज़ वेलकम। तो सब्सक्राइब कर दिया ना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिन लोगों ने सीरम पूछा है उसके ऊपर एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगी, तो हैव सम पेशेंस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।